इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता जो आज से 8000 साल पहले 3300 BCE में शुरू हुई थी। इस सभ्यता को विश्व की सबसे पुरानी और शुरुआती सभ्यताओं में गिना जाता है। जैसा कि इसका नाम ही बताता है, यह सभ्यता इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास फैली हुई थी। इस सभ्यता को पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता था, क्योंकि इसके सबसे पहले एक्सकेवेशन वेस्ट पंजाब के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हुए थे। हड़प्पन कल्चर का विकास पंजाब और सिंध के इलाकों से हुआ था, जहां से ये पूर्व और दक्षिण में फैल गया। बताया जाता है कि इस सभ्यता का फैलाव मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी बड़ा था, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों के अलावा 1000 से भी ज्यादा छोटी बड़ी बस्तियां थी, जो आज ज्यादातर पाकिस्तान, इंडिया और कुछ जगहों पर ईरान और अफगानिस्तान में भी मिली हैं। इनमें कोट दिजी, कालीबंगन, रोपर, लोथल और धोलावीरा कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। मोहनजोदड़ो इंडस वैली का सबसे बड़ा शहर था, जो कहा जाता है कि 2000 हेक्टेयर से भी ज्यादा फैला हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे खास बात थी इसकी टाउन प्लानिंग, जिसकी तारीफ करते इतिहासकार थकते नहीं हैं। गलियां और रास्ते एक दूसरे को ठीक राइट एंगल्स पर काटते थे। इसके सभी शहरों में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, जिसमें कमी निकालना नामुमकिन सा लगता है। बड़े बड़े शहरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो हिस्सों में बनाया गया था। एक हिस्सा जो बड़े और रईस लोगों के लिए था, उसे ऊंचाई पर बनाया जाता था, और शहर का निचला भाग जो ज्यादा फैला हुआ था, वो साधारण लोगों के लिए होता था। इसके अलावा धोलावीरा में वाटर रिचार्ज सिस्टम भी पाया गया था। ये सभ्यता काफी समृद्ध सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के लोग लड़ाई से ज्यादा व्यापार पर ध्यान देते थे। शायद इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में कभी भी ज्यादा डेवलप्ड हथियार नहीं मिले। इस सभ्यता की इकोनॉमी हर तरह से बहुत डेवलप्ड थी। खेती बाड़ी, उद्योग, व्यापार, हर चीज में प्रोग्रेस थी। यहाँ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का व्यापार करने का चलन था, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। इस सभ्यता के दूसरी सभ्यताओं के साथ भी ट्रेड लिंक्स थे। यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बाहर बेचा जाता था और उसके बदले कीमती पत्थर और धातुओं को खरीदा जाता था। इंडस वैली में मेसोपोटामिया की सील्स भी पाई गई हैं, जो इनके आपस में व्यापार को दर्शाते हैं। बात करें अगर धर्म की, तो हड़प्पन सभ्यता में रिलीजन कोई पब्लिक प्रैक्टिस होने की जगह पर्सनल प्रैक्टिस था, इसलिए इंडस वैली में कोई भी पब्लिक रिलीजियस साइट्स नहीं मिली। यहाँ के लोग पशुपति, जिन्हें पहले के भगवान शिव बताया गया है, को पूजते थे। इनके सील्स में पशुपति को दर्शाया गया है, जो कि योगिक मुद्रा में बैठे हुए हैं, और हाथी, शेर, राइनो, भैंस और हिरण इन्हें घेरे हुए हैं। टेराकोटा फिगराइंस में देवी शक्ति की पूजा के भी सबूत मिलते हैं। यहाँ पर कई यज्ञ वेदियां भी पाई गई, और लोथल और कालीबंगन में आग से पूजा करने के भी सबूत मिलते हैं। इनकी सील्स में यूनिकॉर्न बुल या एक सिंगा और पीपल के पेड़ की पूजा को भी दर्शाया गया है। यहाँ के लोग बुरी शक्तियों और सुपरनेचुरल पावर्स में भी मानते थे, और उनसे बचने के लिए ताबीज जैसी चीजों को भी पहना करते थे। इंडस वैली के समय बरियल और क्रीमेशन दोनों प्रैक्टिसेस साथ साथ चल रही थी। लोथल में ताबूत के साथ दफनाने और पोर्ट बरियल के भी सबूत मिलते हैं। मोहनजोदड़ो यहाँ की सबसे बड़ी बरियल साइट है, जिसके नाम का ही मतलब है मुर्दों का टीला। हड़प्पन सिविलाइजेशन में तरह तरह की सील्स पाई गईं, जिनसे यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। सील्स स्क्वायर, रोल्ड और ट्रायंगुलर शेप की थी, जिन पर चित्रों के साथ साथ कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। सबसे ज्यादा सील्स पर यूनिकॉर्न बुल, एक सिंघे के चित्र मिलते हैं। सील्स से पता चलता है कि लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए बैलगाड़ी और सी और रिवर ट्रांसपोर्ट के लिए शिप्स और बोट्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब बात करते हैं यहाँ की मेजर साइट्स और उनकी फाइंडिंग्स की, जिनसे पता चलता है कि ये सभ्यता अपने समय से कितनी आगे थी। हड़प्पा में 8 ग्रेनरीज और एक रेड स्टोन की मेल स्टैचू और डांसिंग नटराज मिले। मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा बरियल साइट्स, पशुपति सील्स, ग्रेट ग्रेनरी और द ग्रेट बाथ मिला। चनुदड़ो में लिपस्टिक जैसी चीजों के होने के सबूत मिले। सिनोली में बरियल साइट्स और सबसे इम्पोर्टेंट रथ मिला। सुरकोटड़ा में हॉर्स के रिमेन्स, आमरी में राइनो के रिमेन्स और कालीबंगन में यज्ञ वेदी और बैंगल मेकिंग फैक्ट्री मिली। ये सभी चीजें दर्शाती हैं कि ये सभ्यता हर एस्पेक्ट में अपने समय से बहुत ज्यादा आगे थी।
तो ऐसा क्या हुआ कि इतनी डेवलप्ड सभ्यता एकदम से खत्म हो गई? हिस्टोरियंस बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 800 BCE तक फली फूली और उसके बाद खत्म होनी शुरू हो गई। ठोस कारण किसी के पास नहीं, पर कोई महामारी, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा इनके मुख्य कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी के सूखने के बाद इस सभ्यता के लोगों ने गंगा के मैदानों की तरफ जाना शुरू कर दिया और वहीं पर रहने लगे, या फिर किसी महामारी के कारण यहाँ के लोग खत्म हो गए। कारण चाहे जो भी हो, ये सभ्यता अपने समय में खूब फली फूली और खत्म हो गई और पीछे छोड़ गई अपने हजारों सालों के रहस्य और इतिहास।